Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. Today we're going to talk about the first university which is NEP aligned, going to start in Maharashtra from this July 2023. Uska admission process kya hai, kaun se course offered hai, kaise apply karna hai, everything I'm going to tell you in detail. So guys, make sure that you watch the video till the end. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नाउ इसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है बिकॉज एनईपी 2022 में काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस आए हैं जो अभी तक यूनिवर्सिटी और स्कूल्स ने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं. द रीज़न इज क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा. सो इट विल डिस्टर्ब द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन द प्रीवियस प्रोग्राम. दैट्स वाई इट्स अ स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी टू मेक दैट चेंज. वो धीरे धीरे ये चेंज ला रहे हैं. जैसे ऑनर्स प्रोग्राम कंपल्सरी 4 साल का हो गया है. स्टूडेंट्स को माइनर्स और मेजर्स जो लेने का ऑप्शन है वो अभी तक कॉलेजेस में नहीं हो पाया है. ऑल्सो जो ड्यूअल डिग्री का था वो भी कितने कॉलेजेस ऑफर करेंगे दिस ईयर, आई कीप यू पोस्टेड जैसे ही इस पे अपडेट आती है. सो दिस अपडेट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉट ऑफ यू गाइज वॉन्ट टू डू अ स्किल बेस्ड प्रोग्राम. सो यस, अभी ये प्रोग्राम कैसे होगा उसकी तो रिव्यू हम नहीं जानते हैं, बट गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज बनाई है एंड हाउ यू कैन एनरोल इन दिस प्रोग्राम एंड वॉट आर द प्रोग्राम दैट इज ऑफर्ड जो कि स्किल बेस्ड है, दैट गोना बी क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इतना ज्यादा जब स्किल पे एम्फसाइज किया गया है और पूरे यूनिवर्सिटी का एम है कि जो बच्चे यहाँ से सीखेंगे वो एम्प्लॉयबल होना चाहिए, जो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चों के पास डिग्री है बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल बिकॉज यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर नॉट एबल टू प्रोवाइड देम द स्किल सेट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब मार्केट. सो क्या ये यूनिवर्सिटी वो स्किल दे पाएगा, दैट विल कम टू नो आफ्टर यू नो 1-3 years, बट राइट नाउ वी कैन सी वॉट आर द कोर्सेज दैट इज ऑफर्ड एंड अभी आपके पास एप्लीकेशन के लिए कितना टाइम है, कौन से कोर्सेज है जो आप एनरोल कर सकते हो, लेट्स गो ऑन देयर वेबसाइट एंड चेक आउट. सो गाइस द वेबसाइट इज msu.ac.in. जो वेबसाइट का अगर एग्जैक्ट लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करो. एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज कंप्लीटिंग अ 12th स्टैंडर्ड और यू आर अ स्टूडेंट हु इज कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन, अकॉर्डिंगली आपको अपने कोर्स चेक करने. द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट व्हाट आई फाइंड अबाउट दिस कोर्सेज आर कि 60% जो है वो स्किल बेस्ड कंपोनेंट है. जिस तरीके से इन्होंने लिखा है अगर वो एग्जीक्यूट कर पाए, गाइस आई एम गोना टेल यू कि ये बहुत ही ब्रिलियंट होगा अगर एग्जीक्यूशन सही हुआ तो. बिकॉज ऑन पेपर एवरीथिंग लुक्स अमेजिंग. 60% अगर स्किल बेस है तो बहुत अच्छी चीज है एंड 40% इज योर जनरल एक्सपीरियंस विच इज योर थ्योरी एंड जनरल नॉलेज जो आपको चाहिए होती है. एज दे आर स्टार्टिंग दिस ईयर इट्स ओपन फॉर 2000 स्टूडेंट्स. सो वंस वी गो ऑन देयर वेबसाइट लेट मी टेल यू वॉट ऑल दे ऑफर. इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्किल कोर्स, सेकेंड इज मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्किल्स, थर्ड इज मीडिया एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, फोर्थ ह्यूमैनिटीज एंड फिफ्थ इज इंटरडिसिप्लिनरी. सो एज वी कैन सी ये 5 major segments इन्होंने केटर किया है. नाउ एज यू कैन सी देयर्स अ बीटेक. बीटेक में ही आपके पास 4 options है, कंप्यूटर साइंस से लेके आईटी से लेके कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. देन देयर इज बीबीए इन रिटेल, बीबीए बीएफएसआई, एमबीए डिजिटल मार्केटिंग एंड एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स. यू ऑल्सो हैव बीबीए हॉस्पिटैलिटी. There is Department of Entrepreneurship is also there. So if you want to be an entrepreneur, to have your own startup, that is also available. Talking about media, there's mass communication and animation course they are offering. In humanities, they have economics and psychology. सो इनमें से अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहो यू कैन ऑप्ट फॉर इट. ऑल्सो गाइज इफ यू आर स्टिल कन्फ्यूज कि कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा होगा, आप कन्फ्यूज हो क्या करना चाहते हो, आई डू 1-on-1 counseling session. सो इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टच विद मी पर्सनली देयर इज अ नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज, माई टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स. सो नाउ यू अंडरस्टूड दैट दीज आर द कोर्सेज विच इज ऑफर्ड. नाउ लेट्स लुक एट द एडमिशन प्रोसेस. ऑब्वियसली ये कोई यूनिवर्सिटी में जाके नहीं करना है, इनके वेबसाइट से ही आपको करना है. There's a full application process which is given on the website. So as you can see, you have to fill an online entrance test. जहाँ पे आपको अगर आप non-engineering apply कर रहे हो तो 500, अगर आप engineering course apply कर रहे हो तो 1000 rupees आपको pay करना पड़ेगा. And then you have all courses 1200 rupees. तो आपको पहले तो entrance exam fees दी गई है. Then talking about the dates, non-engineering जितने भी आपके courses है, जैसे BBA हो गया, wellness and healthcare हो गया, आपका humanities हो गया, उसकी जो first application है वो 11 April से शुरू हो गई थी. Like there are cycle, there are 3 phases में वो admission ले रहे हैं. तो first phase is getting over on 30th April, जिसका selection process 4th May को होने वाला है. Then result declaration होगा 7th May को. Admission की last date है 12th of May. 3 phases में आपको मौका मिलेगा आपके BBA courses के लिए apply करने
करने के लिए एंड आपका जो एकेडमिक ईयर है वो अगस्त से शुरू होने वाला है. सो अगर आप ये फेज में अप्लाई करते हो देन यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट. क्या आपका फर्स्ट फेज में नहीं हुआ तो आप सेकंड फेज में अप्लाई कर सकते हो. लुकिंग एट द डेट्स यू कैन अप्लाई, मतलब आपके पास मौका होगा कि आप एक बार अपनी रिजल्ट चेक कर लो. अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो बिकॉज सेकेंड फेज की जो डेट है वो अलग है. एंड लेट मी टेल यू अबाउट द एग्जाम्स, इट्स एन ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम, मतलब कि आपको घर बैठ के एग्जाम देना है. ऑनलाइन टेस्ट होगा. टेस्ट में एग्जैक्टली क्या होगा उसकी डिटेल्स ज्यादा प्रोवाइड नहीं की गई है, बट आप जब फॉर्म भरोगे होपफुली आपको उसमें मिल जाएगा. सो जनरल एप्टीट्यूड इज मेजरली दैट वी आर एक्सपेक्टिंग. टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग का एडमिशन, आपको एक ही फेज दिया है. 2 जून 2023 से आपका एडमिशन शुरू होगा. आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 10 जुलाई है. तो इस तरीके से आपका जो कॉलेज है देन 16th ऑफ अगस्त से चालू होगा. ये एस्टिमेटेड डेट दी गई है. ये चेंज हो सकती है एज यू नो कि अभी अभी ये यूनिवर्सिटी शुरू हुए सो डेट्स इधर उधर होना थोड़ा सा पॉसिबल है. बट एज ऑफ नाउ आई थिंक इफ यू आर इंटरेस्टेड यू हैव टू फॉलो दिस डेट्स ओनली. नाउ टॉकिंग अबाउट नॉन इंजीनियरिंग, जैसे कि MBA का इन्होंने मेंशन किया है 15th April to 30th April, देन सेकंड इज 15th May to 30th May. तो आपके पास तीन फेज है, आप तीनों फेज में अप्लाई कर सकते हो. सो यू कैन ट्राई दैट आउट. एंड देन कम्स इंजीनियरिंग, जो MTech वगैरह प्रोग्राम है उसके लिए भी डेट्स दी गई है 26th April, विच मीन्स फ्रॉम टुडे. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट प्रोग्राम यू कैन जस्ट क्लिक ऑन देयर वेबसाइट, स्टार्ट योर एप्लीकेशन एंड यू कैन फिल इन योर एप्लीकेशन एंड सेंड इट टू द यूनिवर्सिटी. अभी आप पूछोगे कि कितना डिफिकल्ट या ईजी होगा. गाइस एज आई सेड कि अगर आप ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो हाई प्रोबेबिलिटी और चांसेस है कि आपको मिल जाएगा बिकॉज इट्स अ न्यू यूनिवर्सिटी. अवेयरनेस कम है तो बच्चे कम से कम अप्लाई करेंगे. एज दिस इज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उनका फर्स्ट इनिशिएटिव है. लुकिंग एट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू दे विल प्रोवाइड अ गुड एजुकेशन. सो इट इज कंप्लीटली अ रिस्क बिकॉज एज आई सेड आई डोंट हैव अ रिव्यू, बट येस आई वॉन्ट टू मेक यू अवेयर कि ये प्रोग्राम्स अवेलेबल है एंड यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. Now you will be asking me कि मैम फीस कितनी हो सकती है. सो आपको हर जो प्रोग्राम है उस पर जब आप क्लिक करोगे आप फीस चेक कर सकते हो. सो जो भी आपका इंटरेस्टेड प्रोग्राम है, इफ आई शो ऑल द फीस तो क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो. सो आई एम जस्ट गिविंग यू द वेबसाइट, उस पर क्लिक करो और जो भी आपका प्रोग्राम आप करना चाहते हो वहाँ पर जाके उसकी फीस चेक कर लो, उसका ड्यूरेशन चेक कर लो, उसका सिलेबस चेक कर लो. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. इनका जो कैंपस है वो पनवेल में आने वाला है, वेयर दे आर लॉन्चिंग 21 courses. सो गाइज इनिशियली जब आप एनरोल कर रहे हो बी प्रिपेयर्ड कि जब मैनेजमेंट फाउंडेशन ले रहा होता है सो ऑब्वियसली इनिशियल स्ट्रगल शायद आपको भी गो थ्रू करना पड़े. सो दैट हैपन्स विद ऑल द इंस्टीट्यूट बिकॉज सेटलमेंट चल रहे होते हैं, कैंपस अभी अभी बन रहा होता है. सो दैट इशू गोना बी देयर. सो पनवेल में इनका कैंपस आने वाला है. ऑल्सो इन द न्यूज आर्टिकल इज रिटन कि सैटेलाइट यूनिवर्सिटीज होंगी. सैटेलाइट यूनिवर्सिटी का मतलब है कि अफिलिएशन वाले कॉलेजेस ये रन करेंगे इन मुंबई, इन पुणे, इन अदर रीजन ऑफ महाराष्ट्र वेरी सून. सो इट गोना टेक अ वाइल बट जुलाई से शुरू हो रहा है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट बिकॉज आई हैव सीन देयर इज लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. अगर आप करना चाहो तो येस डेफिनेटली. और कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिख दो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर डाउट्स. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on MediaMentor. Don't forget to like, share and subscribe.